तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास है मोबाइल वीवो Y12। जैसा कि आप देख सकते हैं वीवो का हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वीवो Y12, उसकी आज हम करेंगे चार्जिंग टेस्ट। जो मोबाइल फ़ोन है इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी है, तो आज हम इसी का करेंगे चार्जिंग टेस्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है वीवो Y12, इसका जो चार्जिंग टेस्ट आज हम करने वाले हैं, तो जो हमारा फ़ोन है वो काफ़ी बढ़िया है और साथ ही साथ जो है काफ़ी थोड़ा पुराना भी हो गया है। और ये जो इसका जो बैटरी है अभी जो 5% है, और मैं इसी 5% से इसका जो चार्जिंग टेस्ट करूँगा। और इसका जो ओरिजिनल चार्जर है वो 5W का है, जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसका ओरिजिनल चार्जर है 5W का, सिंपली आप देख सकते हैं। और इसका जो डेटा केबल है ये भी ओरिजिनल है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, मतलब ओरिजिनल चार्जर से ओरिजिनल डेटा केबल आपको एग्जांपल के तो देख सकते हैं आप, डेटा केबल पे जो वीवो लिखा हुआ है ये ओरिजिनल का मार्क है। तो हमारे पास जो डेटा केबल है वो भी ओरिजिनल है और चार्जर भी ओरिजिनल है। तो मैं फटाफट इससे और अपना जो फ़ोन है जो मेरा अभी 5% चार्ज बचा हुआ है इसका चार्जिंग टेस्ट कर लेता हूँ, देखते हैं हम कितनी देर में हमारा जो फ़ोन है ये चार्ज होता है। पहले सिंपली मैं इसकी जो फ़ोन है अपना इसका नेट ऑफ करके DND मोड पे डाल देता हूँ, जाकि ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और साथ ही साथ इसके जितने भी ऐप हैं उन सबको मैं हटा देता हूँ ताकि वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना करें। अब सिंपली मैं आ जाता हूँ हमारे जो चार्जर को मैं फटाफट कर लेता हूँ असेंबल। तो अभी हमने जो इसकी डेटा केबल निकाल के रखी थी, मैं इसे वापस जो इसके जो अडैप्टर है उसमें लगा देता हूँ, जो हमारा 5W का चार्जर जो है अडैप्टर उसमें, और मैंने प्लग में लगा दिया है। और ये जो मैंने पिन है हमारा जो फ़ोन है इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिए। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है ये इसके अंदर पिन लग चुकी है, और हमने जो स्टॉप वॉच है हमारे फ़ोन में ही ओपन कर दिए। मैं स्विच और स्टॉप वॉच दोनों एक साथ ही स्टार्ट करता हूँ। सिंपली देख सकते हैं मैं अपनी जो ये जो स्विच है इसे स्टार्ट कर देता हूँ, और ये अपनी जो स्मार्ट ये स्टॉप वॉच है इसे भी फ़ोन में स्टार्ट कर देता हूँ। सिंपली आप देख सकते हैं दोनों मैंने साथ में स्टार्ट कर दिया है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे काउंटडाउन चलना स्टार्ट हो गया है। अब सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बैक करने के बाद या फ़ोन बंद करने के बाद आपके जो स्टॉप वॉच है ये रुक जाएगी, ये फिर भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में चल रही है, 17% हो गई है, 17 इसमें 20 मिनट हो चुके हैं, 20 सेकेंड आपके इसमें हो चुके हैं। अब सिंपली मैं इसके जो इसका जो है फ़ोन को थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को बंद कर दूंगा, और थोड़ी देर बाद हम फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो कितना चार्ज हो गया है। सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं अभी करीब करीब हमारा जो टाइमर चलते चलते देख सकते हैं आप, करीब करीब हमारा जो टाइमर चलते चलते हो चुके हैं 2 मिनट 44 सेकंड हो गए हैं, और अभी जो हमारा जो फ़ोन है वो 6% यानी 1% बढ़ गया है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ, फिर देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये 24% चार्ज हो गया है, और अभी देख सकते हैं कितना टाइम हो गया हमारे फ़ोन को लगे हुए, तो 31 मिनट हो गए हैं। मतलब 31 मिनट में हमारा जो फ़ोन है 5% से 24% हो गया, मान के चलिए 20% आधे घंटे में बढ़ा है, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। अब हम इस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए और फिर रखते हैं, फिर हम देखते हैं कि आधे घंटे बाद हमारा जो फ़ोन है वो और कितना चार्ज हो जाता है। तो मैं वीडियो को कर देता हूँ थोड़ी सी स्किप, ताकि बीच का जो टाइम आपको ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है ना। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारा जो आधा घंटा और बीत चुका है, और हमारा जो फ़ोन है ये 46% हो गया है, जैसा कि आपको देखने में आ ही रहा होगा 46% आपका जो फ़ोन है ये हो चुका है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं, टाइमिंग आपका जो 1 घंटा 2 मिनट 26 सेकंड हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब आपका 1 घंटा 2 मिनट 26 सेकंड के अंदर आपका जो फ़ोन है वो 46% चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो कितने परसेंट चार्ज हो चुका है, हमारा जो फ़ोन है ये हो चुका है 65% चार्ज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं 65% चार्ज हो चुका है, और इसमें जो टाइमिंग है वो 1 घंटा 34 मिनट 3 सेकंड हो चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर चुका है। करीब करीब हमारा 1.5 घंटे हो गए हैं, पर हमारा फ़ोन अभी 64% ही चार्ज हुआ है। जैसे जैसे फ़ोन की टाइमिंग बढ़ रही है हमारा जो फ़ोन है वो थोड़ा हीट हो रहा है, और इसकी वजह से चार्जिंग स्लो हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो फ़ोन है ये अभी 78% जो है चार्ज हो चुका है, 78% चार्ज हो चुका है, और अभी 2 घंटे आपके पूरे बीत चुके हैं, 2 घंटे 1 मिनट 2 सेकंड हो चुके हैं, मतलब जो फ़ोन है और धीरे धीरे हमारा जो फ़ोन है ये गर्म होना भी स्टार्ट हो गया है। स्टॉप वॉच चल रही है इस वजह से भी थोड़ा थोड़ा हीट कर रहा होगा, बट हमारा फ़ोन चार्जिंग में थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता ही है, तो हीट की वजह से इसकी जो चार्जिंग है वो और स्लो हो गई है। तो
तो अब आप देख सकते हैं आपके जो फ़ोन है अगर उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हमारा जो अब देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये 83% जो है हो चुका है चार्ज। अब देख सकते हैं इसमें कितना टाइम लगा है, तो दो घंटे 30 मिनट में आपका जो फ़ोन है वो 83% हो गया है चार्ज। अब जस्ट थोड़ा सा वेट, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है करीब करीब हो गया है हमारा 88% जो हमारा फ़ोन है वो चार्ज हो चुका है। काफ़ी स्लो चार्ज होने लगा है जैसे जैसे फुल पे आया है, और 3 घंटे हो गए, मतलब आधे घंटे में भी बहुत स्लो चार्ज हुआ है फ़ोन। 3 घंटे बीत चुके हैं, हमारा जो फ़ोन है 88% चार्ज हो, काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है और काफ़ी हीट हो रहा है जो हमारा फ़ोन है बैक साइड से। तो ये थोड़ी सी इसकी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है, 3 घंटे बीत चुके हैं। अब जस्ट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा जो फ़ोन है फाइनली हो चुका है फुल चार्ज, मतलब 11 से 2 बज गए फुल चार्ज करते करते, और हमारे जो फ़ोन को टाइम लगा है 3 घंटा 10 मिनट 37 सेकंड कुल मिला के आपका जो टोटल है टाइम लगा है फुल चार्ज होने में। ऊपर आपको फुल चार्ज दिखा रहा है फ़ोन, लिखा हुआ भी आ रहा होगा फुल चार्ज, तो मैंने इसको पॉज कर दिया है। सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा शुरू में थोड़ा ठीक ठाक चार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी स्लो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी हीट भी हो रहा है इसका। इस टाइम का टेम्परेचर कभी करीब 46 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। और 3 घंटे 10 मिनट और 46 सेकंड जब आपका जो फ़ोन है लगातार चार्जिंग में रहेगा तो आपका जो फ़ोन है वो हीट तो होगा ही। तो थोड़ा जो है इसका जो बैटरी है थोड़ी स्लो चार्ज होती है, लेकिन 5000 mAh की बैटरी है तो काफ़ी देर तक भी चलता है। तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, ठीक ठाक फ़ोन है, चार्जिंग भी इसकी 3 घंटे में हो रही है। इसमें क्विक चार्जर सपोर्टर नहीं है, इस वजह से 5 वोल्ट का चार्जर है, तो नॉर्मली जो आपका 3 घंटे इतना टाइम लग कंज्यूम करता ही है, तो थोड़ा हीट भी हो गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।